जब हम सांस नहीं ले पाते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ सांस को ले आके ऑक्सीजन का एगो ऑक्सीजन मास्क रख देता है यहाँ पे, उसी में ऑक्सीजन आते रहता है तो आदमी आराम से सांस ले लेता है। न तो यहाँ पाइप ले आके टेप से साट देता है, सुंगत रहो भाई। लेकिन आदमी बहुत ही बीमार पड़ जाता है ना, हेते बड़का पाइप लाता है और मुहुआ में डालता है, ढकेल के अहियाँ तक उतार देता है फेफड़ा तक यहाँ, उसे वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर लगाते देख लीजिएगा ना तो आपको लगेगा वो हत्या कर रहा है। मरीज लेटा रहता है, उसके गर्दन में हाथ लगाता है डॉक्टर ऐसे, और वेंटिलेटर में रहता है, इसको पहले मुँह में ले जाता है, एल शेप में ऐसे बकुली ऐसा रहता है, ले चढ़ा देता है इसमें, यहाँ पर यहाँ तक आता है कौन जी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के बाद आदमी ऊपरे जाता है। कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं लग रहा था, वेंटिलेटर लग रहा था। ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि फेफड़ा काम कर रहा है, इसलिए ले लिया जाता है कि बेचारा के लिए यहीं पे ताज़ा ताज़ा हवा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन लगना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब फिल्म में दिखाता है कि हिरोवा को ऑक्सीजन लगा लाता है और हिरोनिया रोती है, हे भगवान अरे बकल लिया, ओका वेंटिलेटर थोड़े लगल है। लेकिन याद हीरोइन रोएगी ना तो अजबे दौड़ उड़ के रोने लगेगी यहाँ पर, समझ में आएगा ना। वो हीरोइन अचानक दुका दुका पूजा पाठ करेगी या हीरो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत दिखाएगा वहां पे, एक्सीडेंट वगैरह में देखिएगा ना, उनमें दिखाएगा कि ऑपरेशन थिएटर में है एगो मरीज, ऑक्सीजन लगल है, एगो दरवाजा में इतना बड़का भोंका है, वही में से हीरोइनिया देख रही और ओके पुरान पुरान बात याद करेगी, कितना अच्छा आइसक्रीम खिलाता था, बताओ अगर इसको कुछ हो गया तो फिर कितना मेहनत लगेगा दूसर खोजने में। नहीं समझ आया। तो ऑक्सीजन उतना खतरनाक चीज नहीं है। तो खतरनाक चीज क्या है? वेंटिलेटर है। खतरनाक चीज क्या है? वेंटिलेटर के बाद आदमी लगभग मर जाता है, जो बहुत आखिरी स्टेज होता है, उसके बाद डॉक्टर के पास कुछ नहीं बचता है। वेंटिलेटर में सांस नहीं लेता है, यहाँ तक मशीनवा उतरता है और हवा भरने वाला एक बाहर मशीन होता है, वो मशीनवा मारता है धड़ाम से तो इसमें हवा भराता है और फिर वही मशीनवा वापस खींचता है। बहुत खतरनाक, जैसे साइकिल में पंप मारा जाता है ना, उस टाइप का होता है वेंटिलेटर। वो मैनुअल वेंटिलेटर हो गया, हाथ से दाबने वाला, उ गया जमाना। अब अभी भी पुराने में ना, पुराने में अभी भी हाथ से दाबने वाला वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर बोला जाता है उसे। और ना कुछ ऐसे, अब तो जितने एडवांस आ गए ना, मशीन अपने से दबा दे रहा है। आप पीएमसीएच में हैं? अच्छा, पीएमसीएच में आप किसी को लेके एडमिट होंगे तो जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, अभी उसमें से हवा हाथ से दाबना पड़ता है। जैसे देखिएगा ना, साइकिल में अभी वो हाथे से हवा भरना होता है, जबकि मोटरसाइकिलिया में लगा दिए दाएं दे भर दिया हुआ हवा, नहीं समझे, उसी से साइकिल में भी भर सकते हैं, लेकिन तनियो सावधानी हटेगा भड़का देगा साइकिल। ऐसे तो तुरंत थोड़े पड़ जाएगा, लेकिन आइडिया रहना चाहिए ना, साइकिल में टायर में कितना रहता है। तो वेंटिलेटर खतरनाक है, ऑक्सीजन हाँ, डॉक्टर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है किसका, वेंटिलेटर वाला। डॉक्टर सबका प्रोटोकॉल होता है, राउंड पे जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान किसका देना है, वेंटिलेटर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नॉर्मल ऑर्मल का, ओकरे बाद गार्जियन का, डॉक्टर साहब बचा लीजिएगा, जाना यार तोरा, हम कौन चीज करते, जानबूझ डॉक्टर का मारता है क्या जानबूझ के? डॉक्टर नहीं मारता यार। डॉक्टरी भी गजब चीज़ है, इसका इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा आता है जिसका कोई हद नहीं। एमआरआई मशीन 2 से 3 करोड़ की आती है, एमआरआई मशीन 2 से 3 करोड़ की एमआरआई मशीन आती है, उसका बिजली बिल अलग। उतना बड़ा मशीन को चलाने वाला जो ड्राइवर होगा, माने टेक्नीशियन, ड्राइवर नहीं टेक्नीशियन, वो भी हैवी चार्ज लेगा, फिर उनकी भी कहीं कहीं मजबूरी बन जाती है। लेकिन कहीं कहीं जो बिना मतलब लूटने लगता है सब ना, वो उटपटांग लगता है, लेकिन ये लुटाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर उसमें कोई ना कोई, जैसे एजुकेशन में हम लोग आके क्रांति ला दिए कि नहीं, मेडिकल में भी कोई खान बाबा आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं, और उसमें भी एक भयंकर क्रांति आएगा, नहीं समझे। बिना मतलब का किसी महिला का नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहता है, फिर भी उसका सीजेरियन कर देते हैं,
अरे अब तुमको कुछ पैसा मिल जाएगा, उसका पूरी बॉडी खराब करके रख दिया, होता है ये सब चीज़। खैर डॉक्टर साहब का अपना